गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप सभी लोग कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने खाना कर दिया शुरू। आज आए हैं गर्मा गर्म मस्त छोले भटूरे, दिखाता हूँ आपको। ये छोले, ये भटूरे अपने, ये दही पल्ले, ये घर पे ही बनाए हुए हैं दही पल्ले और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं। आप भी ट्राई करके देखना, बाजार के मुताबिक घर पर ज़्यादा टेस्टी बनती है। खाना वगैरह खा लिया था और अब करते हैं आईटीआई का काम। लिखने का काम तो मैंने जितना भी था सारा कर दिया था, अब ड्राइंग का काम रह गया। मैं यहाँ पे ऐसे ही चारों कोनों में ड्राइंग बना दूंगा, उसके बाद काट लूँगा इसको, फिर कॉपी में चिपका के हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। बिकॉज सोमवार को कॉपी चेक हो गया, आज है शनिवार, अगर सोमवार तक पूरी ना करके दी कॉपी तो टीचर कह रहे थे कि मार पड़ेगी, जो कि मैंने नहीं खानी। फाइनली हमारा 15 मिनट में एक बन गया है चित्र। क्लास में जितने भी बच्चे हैं इसको सारे चित्र कहते हैं और मैं सबसे अलग, मैं कहता हूँ टैटू। ओ सर बोल रहे हैं कि सागर अपनी कॉपी चेक कराओ, तो मैं सर पे गया, मैं सर को बोल रहा सर मेरी कॉपी पूरी है पर मेरे टैटू नहीं बने हुए। सर भी हंसने लगे। काफ़ी सारे चित्र बनाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गाँव शाला खाना देने के लिए गाय को, तो मैंने सोचा आपको भी ले चलता हूँ, चलते हैं अभी। हमारी स्कूटी खड़ी है तो इसे रख देते हैं यहाँ पे, चलते हैं अभी। अभी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ क्योंकि एक हाथ में फोन है मेरे। अभी दे दिया खाना इनको। ये भाई साहब गुस्से में है पूरा, इनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी गांव शाला में हमने खाना भी डाल दिया, अभी चलते हैं घर की तरफ। और प्लास्टिक को हम डस्टबिन में डालेंगे बिकॉज इसकी जगह यहीं पे ही होती है। फिलहाल आ चुका हूँ मैं घर पे। फाइनली मैं अभी हो चुका हूँ बिल्कुल फ्री और शाम बज रहे हैं 5:30 बिकॉज सुबह से अभी तक मैं डायग्राम ही बना रहा था अपने, और काफ़ी ज़्यादा आँखों में सिर में पेन होने लगा है। अभी मैं थोड़ा छत पे आया हूँ थोड़ा खुली हवा लेने के लिए। इतने सारे जहाज़ हमारे यहाँ आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि कैंट में इनका स्टेशन है और काफ़ी सारे जो मिलिट्री के जहाज़ हैं वो यहीं रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से चीन का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर लगभग इक्वल ही पड़ता है, तो यहीं रख के रखते हैं वो ज़्यादातर, ताकि कभी भी इंडिया के ऊपर अगर हमला हो तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज का मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब कि खुला खुला सा मौसम है और अच्छी हवा चल रही है, धूप भी है, सब कुछ मतलब कि बराबर है, ऐसा मौसम होना चाहिए सारा साल, मज़ा आ जाता है। गली में ईंटें उतर रही हैं, पीछे ताई जी घर डाल रहे हैं, पिछली साइड ईंटें रहते हैं, और भैया जी अभी चाय पी रहे हैं। अब भाई ये टी वी क्यों रखा हुआ है, ईंटों का समझ आता है टी वी क्यों रखा हुआ है भाई। चलो अभी चलते हैं नीचे की तरफ क्योंकि साउंड क्वालिटी अभी मैंने देखा वीडियो में बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है, हवा के कारण कुछ बाइक का हॉर्न का नॉइस आ रहा है उसके कारण। अभी चलते हैं नीचे। कहाँ पे है शिवा? अभी तो कौन है शिवा वाला? शिवा कहाँ पे है? ओए शिवा बता दे। नहीं पता भाई। शिवा, अरे बता दो दे शिवा कहाँ पे है। छोटा भीम देखता है डोरेमोन? हाँ, देखता हूँ। डोरेमोन उड़ता है? हाँ। कैसे उड़ता है? ओए छोड़ दो, लड़ो उड़ जा, उड़ जा, खड़ा हो जा। कौन जीतेगा दोनों में से, कौन जीतेगा? भाई जब हम छोटे थे हम भी लटक जाते थे ऐसे। बाय कर दो भाई। भाई जब हम छोटे थे हमने भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लाइफ एंजॉय की थी, हम टेम्पू के पीछे लटक जाते थे, रिक्शा के पीछे लटक जाते थे, कोई बोलता नहीं था बिकॉज हमारे यहाँ ज़्यादातर फ्रेंडली जोन रहता है लोगों का, तो मतलब कि बोल देते थे ऐसे कि ऐसा मत करो, पर डांटा कभी किसी ने नहीं। हाँ याद करके ना बचपन के दिन,
काफ़ी ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है और हंसी भी आती है हमने कैसे कैसे से काम किए हैं। अगर आपने भी ऐसे काम किए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी हमने चित्र काटे थे, अभी हम चिपका देते हैं उसे ग्लू से। फाइनली इनकी कटिंग कर ली। इतने सारे चित्र हैं, ये आज के आज ही बनाए। ज़्यादातर ना सिर इनको बनाने में घूमता है, क्योंकि इनके बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं ना, जो इनको पूरा एग्जैक्ट लगाना पड़ता है, नहीं चित्र आपका गलत हो जाएगा। अभी चिपकाते हैं इनको। और काफ़ी सारे चित्र चिपका दिया, अभी काफ़ी सारे रहते हैं। और अभी कितनी सारी वेस्टेज निकली है, वैसे आपको कम लग रहा है, दिखने में रियल में ज़्यादा है। मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके हम कागज़ को बचाएं, इसलिए कि छोटा सा पीस है, इस पर भी हम कुछ ड्रॉ कर लेंगे। और एक मैंने पेपर पे 5-6 ऐसे ड्रॉ कर ली थी, फिर थोड़े थोड़े जो उसके पीस थे इतने इतने पट्टियाँ वो काट ली थी, तो इससे काफ़ी सारा हमारा कागज़ बच गया, जिससे हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। अभी मैं फ्री बैठा था तो मैंने सोचा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बाहर क्यों नहीं जाते, बाहर का व्लॉग क्यों नहीं बनाते जैसे ट्रैवल्स का। तो भाई वैसे मेरा डेली व्लॉग है कि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है। अब लाइफस्टाइल पे भी लोग पूछते हैं कि आपका लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है, तो भाई मैं हाई लाइफस्टाइल नहीं दिखाना चाहता। मतलब कि जितना मेरा जहाँ मैं हूँ, जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं उतना ही दिखाना चाहता हूँ और आपको मैं हमेशा सच्चाई दिखाता हूँ। हाँ कि मुझे थोड़ी आईटीआई की दिक्कत रहती है, इस वजह से मैं बाहर ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता। हाँ बिकॉज जब भी छुट्टियाँ होंगी मैं बाहर ज़रूर जाऊँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर जाके व्लॉग करूँ, पर क्या करें, जिम्मेवारियाँ कुछ आईटीआई लग रही है, तो इस वजह से मैं घर पर ही रहता हूँ और आस पास का ही व्लॉग करता हूँ ज़्यादातर। और नंबर दो, कुछ ही लोग हैं मतलब कि जो ऐसा मुझे कहते हैं कि अपने लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दो, आप मिक्स कर देते हो। तो भाई जैसी मेरे यहाँ पे लैंग्वेज चलती है मैं वैसी ही लैंग्वेज में बात करता हूँ, ये नहीं है कि मैं कुछ अलग से निकाल के ले गया हूँ। मेरा जो लोग है, मैंने आपको अभी बताया कि मेरे लाइफस्टाइल के बारे में है, और जैसा भी रहेगा मैं आपको वैसे ही दिखाऊँगा, कोई भी फेक चीज़ आपको दिखाऊँगा ही नहीं मैं। ये एक दो क्वेश्चन थे जिनका जवाब मैंने आपको दे दिया, बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उनका जवाब देने के लिए सदा ही तत्पर रहूँगा। तत्पर ही बोलते होंगे मेरे ख्याल से, चलो अगर तत्पर नहीं बोलते तो सदा ही तैयार रहूँगा। बाकी आप लोग ऐसे ही मुझ पे प्यार बनाए रखना। मेरे ज़्यादातर सिंपल व्लॉग आते हैं क्योंकि मैं सिंपल सही बनता हूँ और सिंपल ही वो लोग डालता हूँ। त्रिशा बोल दो, हेलो गाइस कैसे हो। त्रिशा 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 ये बोल रही है हेलो हेलो, मुझे भी लो व्लॉग में हेलो। तो आज का व्लॉग इतना ही, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।